नमस्कार साथी, मैं अनिल विमल आपका साथी। साथियों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। लोग भगवान को बहुत मानते हैं, जो एक अद्वितीय है या नहीं ये तो मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो है एक छोटी सी कहानी आप तक रखना चाहता हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है, भगवान ने कहा हाथ छोड़। ये जो कहानी है एक छोटी सी है जो आपको कुछ प्रेरणा देगी। इसलिए मेरा चैनल का नाम भी मोटिवेशनल विमल वीडियो है, और मुझे भी प्रेरणा मिली कि जो जानकारियाँ जो भी कुछ मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो साथियों, मैं कहानी शुरू करता हूँ। साथियों, एक बार क्या हुआ, एक भक्त जो भगवान को बहुत मानता था, भगवान की पूजा करता था, अर्चना करता था, हमेशा ही उनके मतलब बारे में सोचता, उनके बारे में मनन करता, चिंतन करता, एक दिन क्या हुआ, वो गहरी खाई में गिर गया। अब वो खाई के बीचों बीच में लटक गया, मतलब खाई अगर हाथ मतलब और उसका जो है छूट जाए, एक डंडे से जो लटका हुआ था बीच में, मतलब किनारे से नीचे गिर गया, और नीचे जो है ऐसे लटका हुआ था जैसे अगर वहाँ से छूटता है तो नीचे हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाए, और उसके बाद उसका बचना मुश्किल है। तो इतने में वो वहाँ पर बहुत विनती करता है, गड़गड़ाता है, भगवान का नाम लेता है और कहता है, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आप एक बार मुझे मौका दो, मुझे बचा लो। तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान आते हैं, और भगवान आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया, कि भगवान आपको दिख नहीं रहा है कि मैं लटका हुआ हूँ, अगर एक आप एक मिनट भी और लेट होते या मेरा हाथ छूटने ही वाला है, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊँगा, भगवान मुझे बचा लो केवल। तो भगवान ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ भगवान, मुझे भरोसा था, तभी तो आप मुझे आप आ गए, मुझे यकीन है पूरा कि आप पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर ऐसा करो, हाथ छोड़ो। भगवान ने कहा हाथ छोड़ो, तो भक्त कहता है, भगवान हाथ छोड़ो, पहले बचा तो लो, कि नहीं पहले हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो तो मैं मर जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा, कि नहीं नहीं हाथ छोड़ो, कि नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, अरे मुझ पर भरोसा है ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम हाथ तो छोड़ो, कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, कि छोड़ो नहीं छोड़ूंगा, अरे हाथ छोड़ो, कि नहीं छोड़ूंगा। तो नहीं मानते तो फिर मैं चला, और वो भगवान चले जाते, हाथ छूट जाता है, नीचे गिर जाता, परिणाम। तो एक छोटी सी कहानी का अर्थ यहाँ पर यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान कोई और नहीं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे शुभचिंतक, वो हमसे कहते हैं कि हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ने का अर्थ है बुराइयाँ छोड़ो। हम नशा करते हैं, वो कहते हैं नशा, मैं बच नहीं रहा हूँ, मुझे बचा लो। तो हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे माता पिता, हमारे परिजन कहते हैं, हमको चाहने वाले कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि हाथ छोड़ो, यानी कि उस बुराई का साथ छोड़ो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो हम क्या है, उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, हम कहते नहीं, बुरी संगत छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, नशा छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। हम जो हत्या, चोरी, बलात्कार, छेड़छाड़, जो मानसिक से लेकर जितनी भी हम बुराइयों में लिप्त हैं, वो कहीं ना कहीं बुराइयों के प्रति हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे चाहने वाले हमसे कहते हैं, इन बुराइयों को छोड़ो, साथ छोड़ो, लेकिन हम जो है नहीं मानते, और नहीं मानते तो परिणाम उसका विपरीत है, अगर मान जाते हैं तो हम जो है उससे बच भी जाते हैं। इसलिए हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे प्रियजन जो हमसे अगर कहते हैं कि हाथ छोड़िए या बुराइयों का साथ छोड़िए, तो मैं आप सभी से यही निवेदन है, युवाओं से, बच्चों से, कि आज के समय जीवन जो कितना कीमती है, इसको हम जो है नशे में, बुराइयों में कैसे बिता देते हैं। अब आप सोचिए, नशा, पहले तो हम कहते हैं कि मैं नशा कर रहा हूँ, लेकिन जब नशा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब नशा हमको करने लगता है, और फिर हम उसे नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि अब हमारे वो रग रग में वो समा चुका है। तो इसी तरह से ही माता पिता हमारे कहते हैं नशा छोड़ो, हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, और परिणाम हाथ नहीं हमने छोड़ा, हमने विश्वास नहीं किया अपने उन पर, माता पिता पर, गुरुओं पर, परिणाम आप जानते हैं।
इसी तरह से ही जीवन में कोई भी बुराई, तो हमें जो है अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, अपने गुरुओं की, अपने मित्रों की, अपने परिवारजनों की, अपने शुभचिंतकों की, या कहीं पर भी जो है ऐसी बातें मिलती हैं हमें जो हमें बुराइयों से दूर करती हैं, तो हमें ज़रूर माननी चाहिए। हम क्या करते हैं, मित्रों की बात मानते हैं, माननी चाहिए, लेकिन वह मित्र कैसा मित्र है जो हमें बुराई की तरफ ले जाए। अगर कोई मित्र ये कहता है कि तुम्हें मेरी कसम है एक दाना सुपारी का या गुटके का खा लो, वो मित्र कदापि नहीं है। अगर मित्र कहता है कि तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है तुम जो है एक बूंद शराब की पी लो, वो कदापि आपका मित्र नहीं हो सकता। अगर सच्चा मित्र बनना है तो सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र को बुराइयों से दूर करे, ना कि बुराई की तरफ ले जाए। इसलिए अगर वो यह कहता है कि नहीं बुराइयों से दूर रहिए, हाथ छोड़िए, तो समझिए वो सच्चा मित्र है। तो इसलिए साथियों, ये मैं आपसे मिलता रहूँगा, काफ़ी जानकारियाँ जो भी मेरे पास हैं मैं आपको प्रेरित करता रहूँगा। मोटिवेशनल विमल वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक पहुँचती रहे। मैं इस समय जो मेरा ये पहला वीडियो है और मेरे पास अभी कोई माइक भी नहीं है, और एक सादा जो मेरे पास हल्का सा मोबाइल है उससे ही मैं आपसे शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सोचूं कि इसको सारी साधन संसाधन इकट्ठे कर लूं, उसके बाद जो है ये आप तक ये बातें पहुंचाऊं। तो साथियों, आज अभी इसी वक्त में हमको जो है फैसला लेना होगा कि कल पे यकीन नहीं करना है, क्योंकि कल और भविष्य कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुछ है आज अभी इसी वक्त है, जो ये मिनट, ये क्षण, ये जो बीत गया वो जो है अतीत बन जाता है, और आने वाला हर जो पल है वो जो है वर्तमान से होकर गुजरता है, और आने वाले की कोई जो है कीमत नहीं, चला गया वो हमारे हाथ में नहीं। इसलिए साथियों, जो कुछ है वर्तमान में है, आज ही फैसला लीजिए, आज ही निर्णय लीजिए, जब जागे तभी सवेरा। हम आज ही अगर निर्णय ले लेते हैं, आज ही सोच लेते हैं कि इस बुराई को त्याग कर दूंगा। हम त्यौहार मनाते हैं, कितने सारे त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार, कोई त्यौहार अच्छा अच्छा भोजन करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये त्यौहार मनाना नहीं है। साथियों, अगर वास्तविक त्यौहार मनाना, तो मेरी नज़र में हम अपने अंदर से बुराइयों को दूर कर दें। किसी भी एक बुराई को दूर कर दीजिए, आप किसी भी एक त्यौहार पे कर दीजिए, अच्छे दिवस पे कर दीजिए, जन्मदिन पर कर दीजिए, नववर्ष पे कर दीजिए, किसी दिवाली या ईद या किसी ऐसे अवसर पर कर दीजिए, या कभी भी कर दीजिए, तो वही दिन, वही मिनट, वही क्षण आपका त्यौहार बन जाएगा। क्योंकि त्यौहार मनाना अपनी बुराइयों को अंदर से बाहर निकालना, यही त्यौहार मनाना है, ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा भोजन करना। तो साथियों, सभी को नमस्कार, और मैं आप सभी से ही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है इन बुराइयों से दूर रहें, युवाओं से, बच्चों से, साथियों से, बुजुर्गों से, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें और जो है लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।